मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतासौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुरनुरागैक सिंधु, वात्सल्य सिंधुरतिसांद्र कृपायक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छविकेल सिंधु, श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदिकेल सिंधु। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना माता को उपलक्ष्य करके हम लोगों को शिक्षा दे रहे थे। जीवन में जीव का परम कल्याण होगा तो कैसे होगा, बोले एतेक भज कृष्णा साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोल हरी। बोले माँ, तभी ये जीवन में जीव का परम कल्याण होगा जब जीवन में हम साधु संग करके और मन में क्या करेंगे,
कृष्ण का चिंतन करेंगे, मुंह में भगवान का नाम जप करेंगे, तभी हमारे कल्याण होने वाले। अभी इसी प्यार को लेकर के साधु संघ द्वारा ही जीव का कल्याण, और कोई उपाय है ही नहीं। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद विभिन्न ग्रंथों से, वेद पुराण उपनिषद, कहाँ कहाँ पर साधु संघ की महिमा बताई गई, उनको उद्धृत करते हुए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था, तस्मिन् महन् मुखरिता साधुवीश्चरित पीयूषशेष सरित परीत स्रवन्ति ताजे पिबन्ति वितृष्ण निपगाढकर्णैः स्थान न स्पृशन्ति असन धृत भय शोक मोहाप। अगर हम इन्हीं कानों के द्वारा भगवान की जो अमृतमयी कथाओं को है उनके मुखारविंद से, जैसे गंगा नदी जैसे प्रवाहित होती हैं, उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की को द्वारा जब हम स्नान करेंगे, उसको पान करेंगे, क्या होगा, कैसे बोले निपगार करने ही, ये कर्ण रूपी कानों में भर भर करके जब हम पिएंगे, कहते क्या होगा, बोले उसका फल होगा, कभी भी खुदा तृष्णा भय शोक और मोह कभी हमें स्पर्श नहीं करेगा। उसको बाद में से प्रभुपाद कहते हैं, बोले जावते जावते माया मयम स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भगवत संगानाम संगस्यात न भवेत भवे। यहाँ पर कह रहे हैं कहते भले ही अपना कर्म वशतः माया को द्वारा ये संसार में कहीं भी क्यों हम भ्रमण नहीं करें, कहते हे प्रभु जैसे हर समय तुम्हारी भक्तों का हमें संग मिलते रहे, अगर हमें भगवान भक्तों का संग मिलते रहेगा, भले ही हम कहीं भी क्यों नहीं हो, लेकिन केवल भगवत भक्त संग से ये मन अपने आप भगवान के चरण में मन लगी रहेगी। इसलिए हर समय हमें साधु संघ की जरूरत है। इसलिए बोले तस्मात सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य भगवत नृणाम। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को यही बात कहते हैं। इसलिए हे तस्मात सर्वात्मना राजा, कहते हे राजा इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले सर्वत्र और सर्वता भगवान की साधु संगत से भगवान की कीर्तन भगवान की कथा सुने, उनका अगर हम स्मरण करते रहेंगे, फिर क्या होगा, जिसकी कथा सुनेंगे, जिनकी नाम लेंगे, जिनकी बात बोलेंगे, मन उसमें अपनी आप मन उसमें लगा रहेगा। इसलिए हमें हर समय साधु संघ की जरूरत है। कहते श्री वैकुंठ नाथ का प्रति, कहते महाराज पृथु, जब भगवान ने पृथु को बोले, बोले पृथु हमसे कुछ वर मांगो, बोले पृथु महाराज ने किए क्या वर मांगे, बोले न कामय नाथ तदप्य हम कोचित न जत्र जुष्माद चरणाम्बुज सब महतमांतार हृदय दयान दयान मोख चुत बिभत्स करना युत में बर। हे प्रभु अगर हमें आप बर देना चाहते हो, आपके चरण में केवल एक ही बर मांगना चाहते हो, बोले क्या है, कहते हमें केवल आपकी भक्तों का संग दो, आप महान पुरुष का संग दो, उनकी भक्तों का संग से उनकी मुखारविंद से आपकी कथा रूपी नंदी की जो मंदाकिनी बहती हैं, कहते प्रभु मेरे को कितना कान दो, 1000 हमें कान दे दो, हर समय तुम्हारी कथा को ही हम पान करते रहो, केवल एक ही हमें वरदान दो। इसलिए हर जगह में एक ही बात को ही स्थापन करते, हमें भक्तों का ही संग चाहिए। इसलिए हमारी
बड़े गुरु जी एक समय साधु संघ की महिमा बता रहे थे, बताते हुए कह रहे थे, बोले एक समय श्री वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी के पास मिले। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को बड़ा उन्होंने स्वागत किया, अभ्यर्थना की, खूब खिलाए पिलाए। लेकिन जब वशिष्ठ अपना घर में वापस आ रहे थे, नियम है जैसे किसकी घर में हम जाए वो क्या करते हैं, अब जब वापस जाओगे आपका हाथ में प्रेजेंटेशन रूप में कुछ देते हैं, कुछ उपहार आपको देते हैं। लेकिन साधारण रूप में तो हम कपड़ा लता मिठाई देते हैं, लेकिन ये दोनों ही भक्त हैं, एक योगी है और एक भक्त है। इसलिए श्री विश्वामित्र जी बड़े हैं अभिमान से बोले, बोले हे वशिष्ठ जी, मैंने 10,000 साल तक मैंने जो तपस्या की है वो तपस्या का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ। वशिष्ठ जी राम जी के भक्त हैं, उन्होंने नतमस्तक करते हुए वो चीज को ग्रहण करते हुए वापस चले आए। कुछ दिन बाद में श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी घर में आए। वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र जी को बड़े उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जब श्री विश्वामित्र जी जा रहे थे, अभी वशिष्ठ को भी कुछ देनी चाहिए, वशिष्ठ तो राम का भक्त है। वशिष्ठ जी ने कहा, मुझे तो याद नहीं आता है मैंने कभी साधु संग किया है, अगर हमने कभी साधु संग किया तो उसका एक मुहूर्त का जो फल है मैं श्री विश्वामित्र जी को प्रदान करता हूँ। और इतना सुनते ही विश्वामित्र तो एकदम क्रोधित हो गए, बोले क्या आप मेरे घर में आए हो, मैंने आपको 10,000 साल तपस्या का फल प्रदान किया और आपका घर में मैं आया तो आपने क्या मेरे को दिया? कहते मैंने, आप कह रहे हो कभी अगर मैंने साधु संग किया तो, अगर नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा है? अगर हमने कभी साधु संग किया तो उसका एक मुहूर्त है, मुहूर्त का उसका फल देता हूँ। अभी तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। संसार में भी दिखाई पड़ता है, जैसे परिवार परिवार में किसकी बेटा का शादी हो रहा है, अब देखना उसमें दूसरा व्यक्ति जो जो चीज़ देता है ना, खोल खोल के देखते हैं कैसे कपड़ा दिया, कितने प्रणाम दिया, क्या क्या दिया है। और जब उसका बेटा का शादी होता है ना, ठीक उसको वही सही देना पड़ता है। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, परिवार में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। देखो उसका बेटा का शादी में हमने सोने की अंगूठी दिया, इतने सुंदर कपड़ा दिया, इतने प्रणाम दिया, देखो हमारे बच्चे को शादी में क्या, लड़ाई हो जाता है ना संसार में। कहते ऐसे ही यहाँ पर श्री विश्वामित्र तो भड़क गए, बोला आप मेरे को क्या दिया, एक मुहूर्त साधु संग का फल और मैंने आपको 10,000 साल तपस्या का फल दी। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो आपका तपस्या का फल श्रेष्ठ नहीं, एक मुहूर्त साधु संग का फल श्रेष्ठ है, चलो हम ये बात को विचार करते हैं। बोले किसको पास में जाए? बोले पितामह ब्रह्मा जी को पास में चलो, क्योंकि ब्रह्मा जी ये आदि गुरु है और एक महाजन में एक महाजन श्री ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी के पास में गए और अपना अपना बात को रखा, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो कि जो ब्रह्म पद को मैंने प्राप्त किया है तपस्या करके ही मैंने ये ब्रह्म पद को प्राप्त किया, इसलिए मेरे को पता है ये तपस्या का फल क्या, ये मेरे को पता है। लेकिन मेरे तो याद नहीं आता है मैंने कभी साधु संग किया है, मेरे को तो ये बात याद नहीं आता, इसलिए भैया मैं साधु संघ की महिमा तुम्हें बता नहीं सकता। बोले भैया फिर कौन बताएगा? बोले चलो श्री शंकर जी के पास में चलते हैं। बोले क्यों? शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभो और पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा है, पंचमुख में हर समय भगवान का नाम लेते हैं, चलो उनको पास में चलते हैं। जब उनको पास में गए, उनको पास में भी यही बात को रखे, बात को रखे तो शंकर जी ने कहा, देखो मैं तो जोगी जोगी महायोगी हूँ, जोगी जोगी महायोगी हूँ, इसलिए मेरे को तो पता है ये जोग का फल क्या है, लेकिन मेरे को तो साधु संघ की महिमा फल पता ही नहीं है। साधु संघ की महिमा फल मेरे को पता नहीं, साधु संघ का महिमा बहुत बड़ा है भैया, इसका विचार मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले भैया फिर किसको पास में चलो? बोले शंकर जी की गुरु जी को पास में चलो। और शंकर जी का गुरु कौन है?
कहते श्री अनंत देव पहुंचे श्री अनंत देव के पास में और उनने अपना बात बरखे। अनंत देव ने कहा देखो मैंने अपना सर को पर में ये पृथ्वी को धारण करके रखा, ये इतना बड़ा भोजन है, तभी किसी बात को मैं मीमांसा कर सकता हूँ जब मैं स्थिर होकर के बैठ निश्चित होकर के, तभी तो किसी बात का मैं विचार करूंगा। एक काम करो तुम दोनों में कोई एक व्यक्ति ये पृथ्वी को धारण कर लो, फिर तो मैं स्थिर होकर के अपना बात को रखूंगा विचार करूंगा। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को बोले, विश्वामित्र जी बड़े अभिमान से बोले पहले मैंने 10,000 साल का जो तपस्या है वो तपस्या का फल प्रदान करता हूँ, हे पृथ्वी तुम श्री अनंत देव का सर से अलग हो जाओ, हट जाओ, हल्का हो जाओ। जो उन्होंने इतना बोला वो हल्का क्या होगा, और ज्यादा भोजन हो गया। बोले भैया आपने क्या दिया, ये तो और ज्यादा भोजन हो गया, हल्का नहीं ज्यादा भोजन हो गया। तब श्री वशिष्ठ जी को बोले भैया तुम कुछ व्यवस्था करो। वशिष्ठ जी बड़े नम्रता से हैं, वैष्णव का स्वभाव ही नम्र है स्वभाव है, बोले मेरे को तो याद नहीं आता है मैंने कभी साधु संग की है, अगर हमने कभी साधु संग किया होगा तो हैं उसका एक मुहूर्त हैं एक मुहूर्त साधु संग का फल मैं प्रदान करता हूँ, हे पृथ्वी देवी तुम हल्का हो जाओ। इतना बोलते ही श्री अनंत देव के सर के ऊपर से पृथ्वी अलग होकर खड़ी हो गई, हैं एकदम अलग होकर खड़ी हो गई। इतने में श्री अनंत देव जी ने कहा अभी अपना अपना बात को स्वयं विचार कर लो, एक लव साधु संघ का महिमा बड़ा ना 10,000 साल तपस्या का बल बड़ा है। फिर श्री विश्वामित्र जी को पता चला भैया साधु संघ की महिमा को हम कभी किसी चीज को साथ में हम बराबर नहीं कर सकते, इसलिए श्री चतुसन कहते हैं तुल्याम लवे नापि न स्वर्ग ना अपनर्भव भगवत भक्त संग समर्थनाम के मुदाशिष। इसलिए अगर जीवन में एक लव अगर साधु संग हो जाए, एक लव कितना समय कहते एक सेकंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का 1वां भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना भी साधु संग हो जाए कहते उसको द्वारा ऐसे वस्तु प्राप्त होता है जिसको साथ में स्वर्ग और मुख्य का भी फल को हम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते भैया साधु संघ में ऐसे क्या चीज मिलता है, साधु संघ से हमें ऐसे क्या चीज मिलता है कि जिसको साथ में स्वर्ग और मुख्य का भी हैं उसका जो महिमा फल बराबर नहीं कर सकते। तो कहते हैं भैया साधु संघ से ही हमें क्या मिलता है, कहते जो भक्ति जो लता है, भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया, लेकिन लता कब होगा, जब तक बीज नहीं हो जाए ना तब तक ये लता होगा नहीं, लेकिन वो बीज कहाँ से प्राप्त होता है, कहते वो बीज कहाँ से प्राप्त होगा, वो बीज क्या कृष्ण सेवा भावना वृत्ति भाई ये श्रद्धा है ये मिलेगा कहाँ से, बोले साधु संग से, साधु से ही ये वस्तु प्राप्त होता है। इसलिए बोले बहुत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार ना है खाए है। इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नहीं, जब तक किसी महान व्यक्ति साधु का कृपा नहीं होगा ना, कहते भैया जो कुछ जीवन में करना कर लो, जो कुछ करना जीवन में कर लो। इसलिए रहो गणे न तपस्या न जाति, तपस्या के द्वारा नहीं, जाति के द्वारा नहीं, पूजा पाठ के द्वारा नहीं, वेद पढ़ने से नहीं, घर छोड़ने से नहीं, अग्नि जल को पूजा करने से नहीं, किसी को द्वारा नहीं होगा, बिना महत बदो रजम शक्ति है। इसलिए यहाँ पर श्री भागवत में वहां पर जो वेणुगीत में ना वेणुगीत में वहां पर कह रहे हैं, वेणुगीत में देख राधा रानी कह रहे हैं देखो ये वृंदावन की है, कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं देखो ये मैं कैसे कृष्ण सेवा करते, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं उस समय कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर है, हाँ इसलिए मेघ क्या करता है कृष्ण को देख करके जैसे ये हमारे मित्र है, क्योंकि रंग बराबर कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर, इसलिए मेघ क्या करता है एकदम कृष्ण का सर के ऊपर में छतरी जैसे हैं
छतरी जैसे धारण करके भगवान को छाया देती है, और फुहारा होता है ना, है फुहारा में जैसे स्नान करते हैं, मीठी 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 क्या करते हैं, रिमझिम बारिश होता है कृष्ण को। अगर जीवन में अगर किसका जीवन धन्य है, किसका जीवन धन्य है, ये मैं का जीवन धन्य है, मैं का जीवन धन्य है। कहते अगर जगत में किसकी जीवन धन्य है, कहते किसकी, बोले वृंदावन में जो तोते है ना, मोर है तोते है, इनका जीवन धन्य। बोले क्यों, बोले प्रायण क्या बिहगा प्राय मुनयो, जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके कहते मयूर क्या करता है, हाँ वो पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है, और तोता क्या करता है, एकदम मुनि जैसे, हाँ मुनि लोग क्या करते हैं, एकदम आंख बंद करके जैसे ध्यान लगाते हैं, उसी तरह ये तोता क्या करता है, एकदम आंख बंद करके जैसे कानों में निपकाड़ कर नहीं, कानों के द्वारा कृष्ण की बंसी ध्वनि को ये पान करता रहता है। इसलिए अगर किसका जीवन धन्य है ना, कहते वृंदावन में जो तोते हैं इनका जीवन धन्य है। अगर किसका जीवन धन्य है, ये हिरण का जीवन धन्य है। बोले क्यों, बोले कृष्ण जब गोचारण करने जाते हैं उसी समय में हैं बंसी ध्वनि सुन करके हिरण भी आकर के अपना नेत्र को द्वारा कृष्ण को आरती उतारती। इसलिए पुरुष जो हिरण कहता है, भैया मेरी जो पत्नी है, इसलिए स्त्री हिरण आगे और पुरुष हिरण पीछे चलता है, जा करके उसको पत्नी क्या करती है, कृष्ण को दर्शन नहीं, अपना नेत्र को द्वारा कृष्ण की आरती उतारती है, कृष्ण की आरती उतारती है। इसलिए पुरुष हरिणी कह रहे हैं, भैया मैं तो ऐसे कृष्ण की सेवा कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन चूंकि इसका मैं पति हूँ, मेरी पत्नी की जो कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, हैं कृष्ण का जो प्रति जो प्रेम है, चूंकि मैं इसका पति हूँ, मेरा जीवन भी है धन्य हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं, अगर किसका जीवन धन्य हो तो वृंदावन के हिरण का जीवन धन्य है। कहते अगर किसका जीवन धन्य है, किसका जीवन धन्य है वृंदावन में, हैं कहते कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं उस समय में, कहते जो पेड़ से ना मधु झरना शुरू हो जाता है, मधु झरना शुरू हो जाता है, हैं और देखो यमुना विभिन्न तालाब में हैं क्या होता है, सुंदर सुंदर कमल फूल खिल जाता है, कमल फूल खिल जाता है। बोले कमल फूल क्यों खिलता है, क्यों कमल फूल क्यों खिलता है, बोले इसलिए ये कमल फूल खिलता है, ये प्रसन्न होकर के हैं, ये प्रसन्न होकर के ये कमल फूल खिलता है। कहते ये मधु मधु झरता है, बोले ये वृक्ष से मधु क्यों झरता है, मधु किस लिए झरता, बोले कारण है, कहते ये जो है, कहते ये जो इसलिए मधु झरता है, कहते जो बांस है, ये जो बंसुरी किससे बनती है, किससे बनती है बांस, कहते बंसुरी बांस से बनती है, बांस के एक टुकड़ा ये बंसुरी है, हैं बंसुरी टुकड़ा है, ये बांस क्या है, उससे ही बनती है बंसुरी। कहते ये फूल खिलता क्यों, पेड़ से मधु झरता है क्यों, कारण क्या, बोले इसलिए झरता है ये वृक्ष से, कहते ये बांस का एक टुकड़ा ही है बंसुरी, बंसुरी। कहते अगर किसी वंश में कोई एक बेटा अगर साधु बन जाता है ना, क्या होता है, कहते कुलम पवित्रम जननी गीतार्था, उसका कुल पवित्र हो जाता है, पिता माता धन्य हो जाते हैं, नृत्यंति स्वर्गे पितर पितर साम, उसको पूर्वज लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी अहोभाग्य है हमारी वंश में एक साधु जन्म ग्रहण किया है, हमारी घर इसलिए प्रसन्न होते हैं। कहते उसी तरह जो वृक्ष है, बांस का एक टुकड़ा क्या है, ये बंसुरी, इसलिए और बंसुरी को कृष्ण क्या कर रहे हैं, बंसुरी को है, इसलिए राधा रानी कभी कभी राधा रानी कहती हैं, अगले जीवन में मैं तो और ये राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, क्या बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी। देखो ये बंसुरी को कृष्ण कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं, हैं ये बंसुरी कृष्ण गोप, हम गोपी कृष्ण के अधरामृत में किसके अधिकार, हमारी अधिकार होनी चाहिए, लेकिन ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे सामने कृष्ण के सारे अधरामृत को यही पान कर रहा है, और कृष्ण का अधरा कैसे, अधर कैसे, बिंब फल जैसे, बड़ा सुंदर है कृष्ण का अधर, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को पी पी करके देखो कृष्ण का अधर कैसे नील पड़ गया, क्योंकि सारे रस यही पी लेता है,
यही पी लेता है, है? इसको कभी छोड़ते ही नहीं, कभी अधर में, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी इसको छोड़ते ही नहीं। और कृष्ण जब गिरिराज को धारण किया, कैसे पूरा स्ट्रेट कृष्ण जब खड़े होते हैं ना गिरिराज को, एकदम पूरा सीधा होकर खड़े धारण किया। लेकिन जब बंसरी बजाते हैं ना कृष्ण, वो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, तीन जगह से कृष्ण टेढ़े हो जाते हैं बंसरी बजाते। पता नहीं इसका कितना भोजन है, कितना भोजन है। और गिरिराज को उन्होंने पूरा, गिरिराज को उन्होंने पूरा अंगुल गुबर में जो धारण करते पूरा स्ट्रेट खड़े होकर, है? इसलिए ये टेढ़े। फिर उनको उदाहरण देते हैं, देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य देते हैं। बोले कैसे, जब बंसुरी कृष्ण बजाते ना ऐसे, है? ऐसे ऐसे बजाते हैं, बजाते समय कहते जैसे एक राजा महाराजा की जैसे सेवा होता है, है? राजा महाराजा की जैसे सेवा होता है। राजा महाराज क्या कर डल्लब गति को परसोते हैं, है? और कहते कृष्ण का अंगुल कितने कोमल है, है? कृष्ण का अंगुल बड़ा सुंदर कोमल है, ये जो दोनों अंगुल के ऊपर रखे हैं माने राजा महाराज जैसे, ये बंसुरी राजा जैसे उनका हाथ जो कोमल उसके ऊपर जैसे रखे। फिर उसको बाद में क्या करते, उनका चरण को दबाते हैं राजा की। कृष्ण जो अंगुल चलाते हैं बंसुरी बजाते सब अंगुल नहीं चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके चरण को दबा रहे हैं। फिर आंखों में जो ये पलक झपती है, बोले पलक नहीं झप रहा है, बोले क्या, बोले उनको हवा कर रहे हैं। कृष्ण के कान में कुंडल है, कुंडल कैसे होता है, ऐसे होता है ना कुंडल, है? कुंडल ऐसे होता है, इसलिए कहते कुंडल नहीं, जैसे राजा महाराज का सर पर जैसे छत्री धारण करते हैं, इसने छत्री धारण करके, है? ये छत्री धारण करते, देखो कृष्ण की बंसुरी को कितने सौभाग्य। इसलिए राधा रानी, हाँ 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 अधरा पड़ता है, कहते उनका जो अधर किया है, कहते ये तकिया है, ये उनका तकिया है, हाँ? बंसुरी यहाँ पर रहता है ना, ये तकिया है। इसलिए राधा रानी कहती चलो पौर्णमासी को पास में चलते हैं, उनसे प्रश्न करेंगे, पूछेंगे ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की है जो इसी जीवन में बंसुरी बनकर आए, क्यों? जो पौर्णमासी ये सर्वज्ञ, ये सब जानती है, फिर मैं ऐसे ही कर्म करके अगले जीवन में मैं बंसुरी बन करके आऊ। इसलिए जगत में किसका जीवन धन्य, किसका जीवन धन्य, कहते बंसुरी का जीवन धन्य है, है? इसलिए इसलिए वो पेड़ से मधु झरता है, क्योंकि एक उसका एक टुकड़ा है कि बंसुरी, जैसे किसी की खानदान में वंश में कोई बेटा जब कभी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, पिता माता कितने खुश होते हैं, है? अरे देखो मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है, मेरा बेटा अभी राष्ट्रपति है। लेकिन जिसका बच्चा भगवान का भक्ति हो जाए, भक्त बन जाए, और भगवान जिसको स्वीकार करे, तो उसका कितना सौभाग्य नहीं होगा। इसलिए कहते भैया इस जो मधु नहीं झर रहा है, वो प्रसन्न होकर के आंखों से आंसू झरा रहे, आंखों से आंसू झर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य है। देखो हमारा वंश में ऐसे एक टुकड़ा जन्म हुआ कृष्ण, जिसको इतने सौभाग्य प्रदान करते हैं, और कृष्ण उसको अपना स्थान दिए। कहते ये कमल फूल क्यों खिला हुआ, कहते ये कमल फूल क्यों खिला हुआ, बोले कारण इसीलिए, जैसे एक वृक्ष होता है ना, है? जैसे बांस वृक्ष हुई, वो वृक्ष हुआ कैसे, वृक्ष कैसे हुआ, बच्चा जैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, माँ की दूध पी करके, माँ की स्तन पान करके तब कोई बड़ा बनता है। इसलिए जो पेड़ बड़ा हुआ कैसे बड़ा हुआ, वहां जो तालाब है, सरोवर है, उसको पानी को पी करके वृक्ष बड़ा हुआ है, हैं? इसलिए तालाब में फूल खिला हुआ, प्रसन्न होकर हंस रहे हैं, देखो हमारी स्तन पान करके ये वृक्ष बड़ा हुआ है ना। आज तक तभी कृष्ण का एक टुकड़ा क्या कर रहे हैं, कृष्ण उसको अपना सेवा में उसको बंसरी बजा रहे हैं ना। इसलिए जगत में अगर धन्य है तो इनका जीवन, जगत में इन्हीं का ही जीवन धन्य है, हैं? इसलिए राधा रानी इस बात को ब्रज गोपियां कह रही हैं। फिर ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं, बोले देखो हमें किसी तरह से कृष्ण सेवा को हमें प्राप्त करना है, कृष्ण सेवा को हमें प्राप्त करना है, लेकिन ये कृष्ण सेवा मिलेगा कैसे, ये कृष्ण सेवा मिलेगा कैसे। तब वो कह रहे हैं महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नायक। तब श्री यहाँ पर कह रहे हैं जब तो किसी महत व्यक्ति का कृपा नहीं हो, कोई साधु को कृपा नहीं हो जाए ना, भैया जो भी कुछ कर लो भगवान के चरण में भक्ति नहीं हो सकती।
बोले भैया महत में सबसे बड़े महत कौन है, हैं? बोले हंता अद्रिय वाला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसलिए कहते महत में जो सबसे बड़ा जो महत है, हैं? कौन है? कहते श्री हरिदास वर्ज, हाँ ये श्री हरिदास वर्ज। इसलिए तीन हरिदास है, एक हरिदास, एक हरिदास बर और एक हरिदास वर्ज। हरिदास कौन है? बोला श्री युधिष्ठिर महाराज। हरिदास बर कौन है? श्री उद्धव जी। कहते हरिदास वर्ज कौन है? श्री गिरिराज गोवर्धन। हरिदास में सबसे बड़े, हाँ कृष्ण के सबसे बड़े जो हरिदास वर्ज है, सबसे बड़े श्री गिरिराज गोवर्धन है। क्यों? कृष्ण की, कृष्ण का हर तरह से कृष्ण का सेवा करता है, फल फूल पंचामृत से है। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन में चलते जाते हैं, कहते जो घास है घास नहीं, आनंद से जैसे इनका रोंगटे खड़े हो गए। बोले जो झरना झरती, बोले झरना नहीं आंखों से आंसू बह रहा है। बोले क्यों? कृष्ण का चरणों को स्पर्श करते हुए गिरिराज गोवर्धन है आंखों से आंसू बह रहे हैं। और गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा का निकाल देती है, और जीवा कितना गुदगुद होती है, कृष्ण जिसको ऊपर में प्यार रखते हैं, कहते वो तो अपना हृदय को बिछा देते हैं कृष्ण जब आते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सबसे बड़ा हरिदास वर्ज श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले जब तक इनकी कृपा नहीं होगा ना भैया, तब तो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए गोपियाँ कहे चलो श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करने जाएंगे, हैं गिरिराज कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते मैया भगवान के लिए माँ। इसलिए अगर जीवन में अगर भगवत भक्ति बनना चाहते तो क्या करो? संतों का तुम संग करो, संतों की संग के बगैर कुछ भी होने वाले नहीं। बोले जत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसुवते ग्राम कथा विघात। यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी, यहाँ पर ना बहुत सारे श्लोक है साधु संघ का, प्रभुपाद ने सब दिया, इतने इतने कहाँ से श्लोक हो। इसलिए तुम लोग हो सके ना यहाँ से श्लोक हो, है क्यों? देखो ये जो श्लोक है अक्सर करके जो हरि कथा बोलने के लिए जाओ साधु संघ की महिमा बस यहीं से श्लोक उठा। कितने श्लोक यहाँ पर, बहुत सारी जगह से उन्होंने प्रभुपाद ने श्लोक लिया है। ये जो श्लोकों को उतार उतार करके ना इसको याद कर लेना, बहुत है। कहते साधु संघ से क्या होता है, हैं? बोले जत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसुवते ग्राम्य कथा विघात। जो उत्तम श्लोक जो भगवान है जिनका उत्तम उत्तम श्लोक से जिनकी वंदना करते हैं, उत्तम भक्तों को द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, कहते अगर ये कथा अगर कोई श्रवण करते हैं, बोले ग्राम्य कथा विघात, क्या होता है? ग्राम्य कथा नष्ट हो जाता है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझा रहे थे, बहुत एक अच्छा उदाहरण है। बोले देखो अगर प्यार में अगर कोई एक कांटा घट जाए ना, वो कांटा को कैसे निकालोगे? फिर तुम्हें दूसरे कांटा जरूरत है, हैं? एक कांटा घट जाए तो उसको और एक कांटा से उसको निकाल सकते हो। अभी हमारी हृदय में एक कांटा घट गई है, बोले किस चीज की कांटा? बोले माया की कांटा घट गई, माया की कांटा घट गई। अब ये माया के कांटा को निकालने के लिए भैया और एक कांटा लाओ, और एक कांटा लाओगे फिर तो दूसरे कांटा को निकालोगे ना, तभी निकलेगा। बोले वो क्या है? बोले मामा उत्तम श्लोक है। कहते जत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसुवते, जहां पर भगवान की कथा हो रही है, कथाओं को श्रवण करो, है कथाओं को श्रवण करो। जैसे समझो जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, जैसे एक घंटा कथा सुने, अगर कथा नहीं सुनते तो हम क्या करते बताओ? इधर उधर घूमते रहते, इधर उधर बात करते, समय किसी तरह से बीत जाती, समय तो किसी तरह से बीत जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कथा में है, जैसे सवेरे कथा सुनते हैं शाम को, यहाँ पर जब से कथा हो रही ना, इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं भैया गौड़ीय मठ मतलब क्या है? जहाँ पर कृष्ण कथा की अग्नि हर्ष में प्रज्वलित होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं गौड़ीय मठ में कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए, अग्नि हर्ष में चलती रहनी चाहिए। जहाँ कथा बंद हो जाएगा ना, फिर तो चारों तरफ से माया आकर के फिर दबोच लेगा, क्योंकि समय ना किस तरह से जाएगा, समय किस ना किस तरह से बीतेगा। लेकिन अगर तीन बार कथा हुई, कीर्तन हुई, कथा हुई, पर दिन भर क्या होगा?
बस भगवान की कथा भगवान के चिंतन में ही हमारी समय को चला जाएगा, है? चला जाएगा। इसलिए एक कांटा को निकालने के लिए हमें दूसरे कांटा की जरूरत है। दूसरे कांटा की जरूरत मतलब क्या है? बोले संख्या पूर्व नाम गान नति भी काला बसा निकृत। इसलिए क्या करो, संख्या पूर्वक भगवान का नाम करो, कीर्तन करो, भगवान की कीर्तन करो, कथा सुनो, हैं? इसलिए अपना श्लोक याद करो, भगवान की सेवा करो, हैं? उसमें क्या होगा, जो समय है ना, हैं? देखो समय उसमें पूरा के पूरा, जैसे देखो जैसे तुम लोग अभी श्लोक याद करते हो, देखो ना दिन भर श्लोक श्लोक ही दिन भर याद हो, हैं? दिन भर उसमें अंदर में मन ही उसका, जैसे कल कल जैसे प्रभु जी बोले ना, जो दूसरे जो क्या पहले गुरु तत्व, उसके बाद में कौन सा तत्व है? भागवत तत्व। महाराज जी ने बताया कल भागवत तत्व का मीनिंग को साथ में, मुझे लगता है आज दोपहर में कोई सोया नहीं होगा, दिन भर है, दिन भर रटे होंगे, दिन भर इसको याद करते होंगे, दिन भर देखते होंगे। हाँ, तब भी है ना, ये देखो ये जो कथा है ना, ये यहाँ पर एक बोले ग्राम में कथा भी घात हो, ग्राम में कथा भी घात हो। अगर ये समय को हम अगर सही समय को इसको बिताए, कथा भगवान कीर्तन में, फिर क्या होगा, बस समय है ही नहीं इधर उधर बात करने के, हमारे पास समय नहीं। अगर ये चीज नहीं होगा फिर तो क्या करते, स्मार्टफोन देखते, फोन देखते रहेंगे, फिर उधर उधर का बात करने लग जाएंगे। अगर इसे दायित्व हो ना, टाइम ही नहीं इधर उधर बात करने का, है? इसलिए क्या करेंगे, उसमें ही मन उसमें डूबा रहता है। इससे बढ़िया जगत पर कुछ है ही नहीं, है? और कोई उपाय नहीं, ये मन को और किसी उपाय के द्वारा भगवत चिंतन में, और कोई उपाय नहीं, सबसे बढ़िया उपाय, ठीक है ना। इसलिए कहते ग्राम में कथा भी घात निसभ्य मानो अनुदीनम मुमुक सतिमति सत्यम जचि वासुदेवे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर ये कथा रूपी रस को हर समय कोई पान करते रहे ना, बोले मुमुक्षर मति सत्यम जचति वासुदेवे। कहते साधारण व्यक्ति का बात ही छोड़ दो, कहते साधारण व्यक्ति का बात ही छोड़ दो, ये तो ग्राम में कथा विघात है ही है, है? जो ग्राम में कथा में समय जा रही है उसको तो नष्ट करने वाले है ही है। लेकिन कहते जो मुक्ति है, जो मुक्ति में जो रमण करने वाले व्यक्ति है, परिनिष्ठित अभी नरगुण उत्तम श्लोक लीलया सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, कहते परिनिष्ठित जो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने केवल एक श्लोक सुन लिया ना, हैं? जब उन्होंने केवल एक श्लोक सुन लिया, क्या सुन लिया, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने प्यारे हैं, जब उन्होंने एक श्लोक सुन लिया, बस क्या हुआ, वो जो ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे छोड़ करके निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक मिला कहां से, कौन सा श्लोक है? इसलिए बरहा पिडम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंति चमालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राभिसस्तात गीत कीर्ति। इसलिए कृष्ण कितने सुंदर, कृष्ण कितने प्यारे हैं, कितने मनमोहन कृष्ण हैं, बस एक श्लोक सुन लिए तो सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़कर निकल कर गया। इसलिए कहते श्री जनक महाराज वो भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, ये भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर बस राम को दर्शन कर दिया ना, जब राम को दर्शन करते ही हैं, राम को दर्शन करते ही बोले इन बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, पर बस ब्रह्म सो आई मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सो आई मन त्यागा, इन्हें ही बिलो कत
भगवान को निराकार ब्रह्म निर्विशेष बोलते रहे, बोले कब तक, बोले जब तक भगवान रूप उन्होंने नहीं देखा। बस इनको दर्शन करते ही परवस अपनी आप मन से छोड़ना नहीं पड़ा, अपनी आप ब्रह्म सुख खत्म हो गया और उन्होंने भगवान राम रूप में ही डूब गए। इसलिए समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं, यही परम ब्रह्म है। और वो जो धनुष होगा ना यही उठा सकता है, और कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सीता कौन है, माँ लक्ष्मी, जिसको 400 व्यक्ति जिस धनुष को उठाते थे, मैया सीता क्या करती थी, एक हाथ से उठा कर उसको नीचे लिपा पता लगा देते, बोले बाबा रे मेरी छोटी बेटी जी को 400 व्यक्ति उठा करके। अब रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब एक एक व्यक्ति ने उठाने के लिए कोशिश की, लेकिन जब उठा नहीं सके ना, एक साथ में जितने वहां पर वीर लोग आए थे सबके सब कोशिश किया एक साथ उठाने के लिए, सारे को सारे, लेकिन टस से मस नहीं कर पाए। जनक महाराज ने कहा तुम लोगों ने बहुत प्रशंसा कर चुके हो, छोड़ो सबके सब बदनाम कर लिए हो, एक एक तो उठा नहीं पाए, सब मिलकर नहीं उठा पाए। हैं कोई कहते शंकर भी आए थे कोशिश किया, लेकिन उसका हाथ कैसे पंद्रह में फंस गया, तो वो हाथ को निकाल नहीं पाया। पर सब लोग उठा करके जब उठाए किसी तरह से निकला तो भागे, पर पीछे में मोड़ करके नहीं देखा। लेकिन मैया सीता एक हाथ से उठा कर क्या करती थी, उसके नीचे लिपा पता लगा देती थी। इसलिए जनक महाराज समझ गए मेरी जो बेटी ये माँ लक्ष्मी स्वयं, और माँ लक्ष्मी को तो नारायण ही शादी कर सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा ये नारायण है। अगर ये धनुष को कोई उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे तो पता चलेगा भैया यही नारायण है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम को दर्शन किया है ना, जब उन्होंने राम को दर्शन कर लिया, उनको पता चला ये स्वयं नारायण। बोले क्यों, अभी तक मैंने ये ब्रह्म सुख में मग्न था, लेकिन इनको दर्शन करते मेरा मन अपने आप ब्रह्म सुख से है हट गया। तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्या चक्कर है? इसलिए यहाँ पर कह रहे भगवान की जो कथा है, कहते क्या भगवान की कथा की महिमा, कहते जो मुमुक्ष व्यक्ति भी उसका मति भी भगवान के चरण में हो जाते हैं अगर ये कृष्ण कथा को जो श्रवण करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री साधु संघ की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं सबके सब, ताकि हमने सुना वहाँ कहा हमारे फरीदाबाद में सब कीर्तन करते हैं, एक एक घंटा ना डेढ़ डेढ़ घंटा है, हाँ इसलिए हम लोग भी थोड़ा कीर्तन करते हैं। हाँ, जो लोग कथा सुन रहे हैं सबके सब, जहाँ आप लोग हो वहीं से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन से ही है, कहते सर्व उपद्रव समनम, सर्व दुख उपशमनम है, इसलिए भगवान का नाम सब दुख दूर हो सकता है। ये सब के सब ताली बजा कर कीर्तन करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे सब करता ले लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग आय जय सचिनंदन जय गौरहरी आय जय सचिनंदन जय गौरहरी बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम bola hare krishna hare krishna 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 hare 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 krishna hare krishna
जगन्नाथ बलदेव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। नितिनीला प्रभु शशिल भक्त श्री सिद्धार्थ गोसाई महाराज की जय। नितिनीला प्रभु शशिल भक्त वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। नितिनीला प्रभु शशिल भक्त वेदांत पावन गोसाई महाराज की जय। नितिनीला प्रभु शशिल भक्त प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। भक्ति वेदांत गोसाई महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद की जय।